लेकर चलते पटना में, जहां पर सीएम नीतीश कुमार श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया है और वहां पर वो नियुक्ति पत्र को बांट रहे हैं। जाकर के पास सही में जो जगह बचा ही नहीं, और हम लोगों को भी लगा है जिस तरह से आधा सीट है आधा नहीं है, और आज मुख्यमंत्री जी की विशेष कृपा की वजह से आज आप सब लोग इस नियुक्ति पत्र कार्यक्रम में आए हुए हैं। और जल संसाधन विभाग में मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत सारा इनोवेटिव काम हो रहा है, जिसकी चर्चा आज देश दुनिया में हो रही है। मैं एक दो बात की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि अभी गया में देश का सबसे बड़ा रबर डैम है, पूरा देश और दुनिया के लोग वहां गया में आते हैं पितृपक्ष में, अभी पितृपक्ष खत्म हुआ है, और वहां पर फल्गु नदी में एक बूंद पानी नहीं रहता था, जेसीबी से खुदाई करके पानी निकाला जाता था, किसी तरह एक लोटा पानी निकलता था, या उसके बीचों बीच चापाकल गाड़ा जाता था प्रशासन के द्वारा। और वहां पर जब मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ कि नहीं वहां कुछ व्यवस्था ऐसा होना चाहिए, बिफोर टाइम से पहले 2023 में ये काम पूरा होना था, और 2023 से पहले उनका था कि इस पितृपक्ष से पहले ये काम पूरा हो जाए। आज जहां एक बूंद पानी नहीं था, वहां आज बीच में 8 से 10 फीट पानी है। 12 लाख लोग इस बार वहां विजिट किए हैं पूरे पितृपक्ष में, और विजिट करने वाले पूरे देश और दुनिया के लोग, और जो चर्चा कर रहे हैं शायद ऐसा रूप उन्होंने गया में नहीं देखा। तो विभाग बहुत सारे नए टेक्नोलॉजी को लेकर के, बहुत सारे अन्य माध्यम से, क्योंकि बिहार के सबसे बड़ा ऊंचू इशू सबसे पहले से मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं वो वाटर मैनेजमेंट को लेकर के। मुख्यमंत्री जी शुरू से बोल रहे हैं कि भाई आप लोग नदियों को जोड़ने का काम स्टेट के अंदर की, लंबा हो जाएगा, सिर्फ पॉलिसी के लिए कितना दिन से बोल रहा है, फरक्का में बराज है, वो बराज के कारण जो समस्या होता है उसके लिए कितना दिन से बोल रहा है, तो आज तक ना वो सिर्फ पॉलिसी बन पाया ना फरक्का के बराज का कोई निदान हो पाया। लेकिन विभाग में निश्चित रूप से हम लोग जो नदियों को जोड़ने का काम है उसमें काफी आगे बढ़े हैं, 2-3 नदियों पर हम लोग का ऑलरेडी काम चल रहा है, और बाढ़ में सुखाड़ में कैसे बंटवारा हो, कैसे कैंप लगे, ये जब कमिटमेंट अंदर से रहता है, क्योंकि आप लोग भी नौकरी में आए, अगर अंदर से वो कमिटमेंट नहीं है तो फिर वो डिलीवरी नहीं हो पाता, उसको डिलीवर नहीं कर सकता। हम लोग बहुत नजदीक से देखते हैं कि इतने दिनों के बाद भी इतना माइन्यूट डिटेल, इतना कमिटमेंट, एक एक कागज को देखना, क्या बंटवारा हुआ, क्या पहुंचा लोगों के बीच में, ये जो डिलीवरी सिस्टम है ये मुख्यमंत्री जी से हम लोगों को देखने के लिए मिला। ये कुछ कमिटमेंट अगर आप लोग, तो बिल्कुल यंग है अभी 20-25 साल बिहार को और इस डिपार्टमेंट को देना, तो अगर वो कमिटमेंट अंदर में आ गया, होता है कभी कभी अपने समाज को कुछ देना, गिव बैक टू योर सोसाइटी, अगर जॉब मिला है, बहुत लोगों को तो ये मौका नहीं मिला, तो अपने एरिया में अपने लोगों के लिए कुछ देना, अपने समाज के लिए कुछ करना, अपने प्रदेश के लिए कुछ करना, अगर उस कमिटमेंट से आप लोग काम करेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है आने वाले टाइम में जो बिहार जिस गति से बढ़ रहा है, और जहां तक आप देख रहे हैं कि नौकरी का जो नियुक्ति का काम शुरू हुआ है, और जो सरकार ने कहा है कि नियुक्ति हम लोग 10 लाख करेंगे।